चांसेस आप ये बताइए कि आप हमेशा से डिफिकल्ट टॉपिक कैसे चुन लेते हैं और रिस्क नहीं लगता है कि मैंने क्या टॉपिक चुन लिया है, लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे? मुझे लग रहा है ये टॉपिक्स मुझे चुनते हैं तो मैं तो बस हमेशा उन लोगों की आवाज़ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ जिनकी आवाज़ हमने सुनना बंद कर दिया है, जिनको देखना हमने बंद कर दिया है, तो ये टॉपिक्स मेरे दिल को छूते हैं, तो मैं यही कोशिश करता रहता हूँ कि भाई जो मेरे दिल को छूता है वो मतलब दुनिया के दिल को छूगा, और इस कहानी में मुझे वो मिला। क्या है मतलब, कौन सा ऐसा टॉपिक है, किस रोशनी, किस जगह में आप देखिए? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ ये कोई ऐसी सोशल एजेंडा वाली फिल्म नहीं है, लेकिन ये एक लव स्टोरी है जिस उन लोगों की जिनको हमने देखना बंद कर दिया, जो माइग्रेंट्स हैं। हर शहर में बहुत बड़ी मात्रा में माइग्रेंट्स होते हैं, लेकिन हम उनको देखते नहीं, हम अपनी गाड़ी चलाते रहते हैं, हम चले जाते हैं अपने घर के एयर कंडीशन कंफर्ट में, हम लोग निश्चिंत रहते हैं, लेकिन जब हमारी गाड़ी गुजर रही है उन रास्तों से तो कहीं पर कोने में एक परिवार बैठा हुआ है, बारिश से भीग रहे हैं वो लोग, ठंड में कांप रहे हैं वो लोग, गर्मी में वो लोग सूख रहे हैं, लेकिन हम देखते नहीं उनको, वो मतलब एक नज़र हम तक पहुंचाते हैं कि शायद हमारी कोई मदद कर दे, लेकिन उनकी उनकी भी अपनी कहानी है, जैसे मेरी कहानी है, जैसे राजकुमार की कहानी है, हम सबकी कहानी है, उनकी उनकी ज़िंदगी में प्यार है, उनकी ज़िंदगी में ज़रूरतें हैं और उनकी ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन हम उनको देखते नहीं, हम हेलीकॉप्टर से उतरने वालों की ज़िंदगी में देखते रहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, उनमें बनावटी कॉन्फ्लिक्ट बनाते हैं, यहाँ मतलब कहानी हमारे सामने जब बढ़ती है उनको देखते नहीं है, तो ये सिटी लाइट्स वही कोशिश है ऐसी एक कहानी कहने का। जो किसी से मिले थे आप या किसी की एक कहानी आपको छू गई? ये हर उस इंसान की कहानी है, जो हम सबकी कहानी है, ये मेरी अपनी कहानी है कि मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, और मैं अगर इस सिचुएशन में अगर फंस जाऊंगा जिसमें राजकुमार का कैरेक्टर दीपक फंसा हुआ है सिटी लाइट्स में, तो मैं यही करूंगा जो दीपक करता है, यही अपने परिवार के लिए ये ज़रूर करूंगा। तो आप ऐसे टॉपिक के लिए राजकुमार को कैसे चुनते हैं? लगता है कि क्योंकि राजकुमार ने तो अपनी काबिलियत बता ही दी है, उनकी इंटेलिजेंस सभी के सामने है, उनके जो परफॉर्म करते हैं, तो आपके लिए हमेशा राजकुमार प्रेफरेंस रहते हैं? वो इस फिल्म में तो राजकुमार ने मुझे चुना राजकुमार ने मेरा नाम रेकमेंड किया था भट्ट साहब को, जब इससे पहले जो डायरेक्टर साइन थे उनके साथ कुछ बात नहीं बनी, तो राजकुमार ने मेरा नाम सजेस्ट किया था आप जी मिलिए, तो लेकिन मेरे लिए मतलब मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे जीते जी मेरे करियर के इस दौर में मुझे राजकुमार मिला, एक मोड़ था जिंदगी का जिसमें मुझे राजकुमार मिला। सर मैं भी उतना ही खुशकिस्मत बिल्कुल तो उस मोड़ पे मुझे ऐसा एक्टर मिल गया जो आप एक सोचते हो फिल्म को लेकर, आपका एक विजन होता है जिसको आप विजन कहते हो कि आप सोचते हो मेरी फिल्म ऐसी बनेगी और इतना रियल होगा, ये सारी चीज़ें ऐसी गढ़ेगी लोगों के सामने, और उससे तीन गुना ज़्यादा बेहतर कोई मुझे आउटपुट दे, तो ऐसा एक्टर मतलब उससे ज़्यादा डायरेक्टर क्या चाहता है, डायरेक्टर का ग्रीड इससे ज़्यादा हो नहीं सकता है,